गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 8th चैप्टर कारक के बारे में पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में दिया गया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मेज पर खाना रखा है, रीना संजीवेश को राखी बांध रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन लिखे शब्द में पर तथा को वाक्य के अन्य शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वाक्य के शब्दों को जोड़ने वाले ये शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। यह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो जिस प्रकार 1 के बाद 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4 आता है, तो ये भी कारक भी उसी क्रम में चलते हैं कि कर्ता के बाद कर्म आएगा, कर्म के बाद करण, करण के बाद संप्रदान। इन्हें इसी क्रम में ही लिखना होता है। तो आप इन्हें ऐसे ही याद करेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संस्कृत में हम इन्हें विभक्ति कहते हैं। इसमें कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे निहारिका खाना बना रही है, निहारिका ने खाना बनाया। तो जब हम वाक्य में कारक का प्रयोग करते हैं, कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उस समय वाक्य का रूप बदल जाता है। कारक और उसके विभक्ति चिन्ह, तो हर कारक के लिए उसका एक विभक्ति चिन्ह निर्धारित है, या जिसे हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। कर्ता का कारक चिन्ह है ने, कर्म का को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो कारक के लिए जिन चिन्हों को निर्धारित किया जाता है उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। अब इसमें है वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कर्ता का, राम ने पाठ याद कर लिया है। तो कर्ता ने किसी भी काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, इसका कारक चिन्ह है ने। तो कई बार इस चिन्ह का लोप भी रहता है। जैसे आपकी बुक में ही उदाहरण दिया गया था कि निहारिका खाना बना रही है, निहारिका ने खाना बनाया, या हमने पाठ पढ़ा, हम पाठ पढ़ रहे हैं। तो जब हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उस समय वाक्य का रूप बदल जाता है। तो इस प्रकार कई बार कारक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है। कर्म कारक, माँ ने राज को उपहार दिया। तो इसमें कर्म का कारक चिन्ह है को। तो जैसे हमने पाठ पढ़ा, तो इसमें हमने पाठ को पढ़ा, तो पाठ को, तो कई बार जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, यानी कि उसका प्रयोग नहीं किया जाता। थर्ड करण, इसके कारक चिन्ह है से के द्वारा, कि राघव कार से विद्यालय जाता है, राघव कार के द्वारा विद्यालय जाता है। फोर्थ संप्रदान कारक, पिताजी विभोर के लिए साइकिल लाए हैं। तो इसके कारक चिन्ह है के लिए को। फिफ्थ अपादान कारक, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो इसका कारक चिन्ह है से, इसका प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अर्थात पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक है। संबंध कारक, यह नितिन का घर है। तो जो आपस में संबंध बताते हैं एक शब्द का दूसरे शब्द से, वहाँ संबंध कारक होता है। मृणाल के पिता सेना में हैं। उसी तरह वैशाली की बहन अच्छा गाती है। नेक्स्ट अधिकरण कारक, गिलास में दूध है। तो जहाँ संज्ञा के क्रिया के आधार का बोध होता है
वहाँ पर अधिकरण कारक है, जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, तो यहाँ पर इसके कारक चिन्ह है मे पर। संबोधन, जब किसी को संबोधित किया जाता है, जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे प्रभु कभी मेरी भी सुनो। तो जो कर्ता कारक है वो काम को करने वाला होता है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है, और इसका कारक चिन्ह है ने। कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे माँ ने राज को उपहार दिया, तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है, और इसका कारक चिन्ह है को। करण कारक, जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी कि किस साधन के द्वारा, यानी कर्ता जिसके द्वारा काम करता है उसे करण कारक कहते हैं, जैसे राघव कार से विद्यालय जाता है, यानी कार के द्वारा, तो यहाँ पर क्रिया के साधन का बोध हो रहा है। संप्रदान कारक, वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है वहाँ संप्रदान कारक होता है, जैसे पिताजी विभोर के लिए साइकिल लाए हैं, तो यहाँ पर क्रिया के द्वारा काम हो रहा है इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जहाँ अलग होने का बोध होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, या बच्चे विद्यालय से घर जा रहे हैं तो विद्यालय से बच्चे अलग हो रहे हैं। संबंध कारक, जहाँ संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु और व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से परस्पर संबंध पता चले वहाँ संबंध कारक होता है, जैसे यह नितिन का घर है, मृणाल के पिता सेना में हैं, तो इसके कारक चिन्ह है का, की, के। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है, जैसे ग्लास में दूध है, या पेड़ पर बंदर बैठा है, माँ छत पर हैं, तो इसके कारक चिन्ह है मे पर। संबोधन, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या उसे सावधान करने का बोध होता है वहाँ संबोधन कारक होता है, जैसे अरे तुम कहाँ जा रहे हो, या हे प्रभु कभी मेरी भी सुनो, कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो इस पाठ में आपने सीखा कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो जैसा आपको बताया था कि ये इसी क्रम में ही याद किए जाते हैं और इसी क्रम में ही लिखे जाते हैं, कर्ता के बाद कर्म के बाद करण, उसके बाद संप्रदान, फिर कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण का मूल रूप बदल जाता है। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें फर्स्ट है बंदर पेड़ पर बैठा है, तो वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। तो बंदर पेड़ पर बैठा है, तो इसमें कारक चिन्ह है पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ अधिकरण कारक है। पर इसमें कारक चिन्ह है पर, फिर इसमें है कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, जैसा अभी मैंने भी आपको समझाया था कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट, हे अरे विभक्ति चिन्ह किस कारक के हैं, ये भी आपको बताया था, ये हैं संबोधन कारक के।
ये संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारकों के विभक्ति चिन्ह लिखिए। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, करण का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा, अपादान से, अधिकरण में पर, कर्म को, संबोधन हे अरे, संप्रदान के लिए को, संबंध का की के। नेक्स्ट, उचित कारक चिन्हों द्वारा खाली स्थान भरिए। तो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, कविता बाजार से सामान लाई है, पेड़ पर कोयल कूक रही है। नेक्स्ट, कपिल का भाई लेखक है, जया ने मधुर गीत सुनाया, अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं श्रेयस के लिए मिठाई लाई हूँ। फोर्थ एक्सरसाइज, नीचे दिए गए कारक चिन्हों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। तो ये वाक्य मैंने आपको बनाकर दिए हैं इसमें, लेकिन आप अपनी इच्छा से भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप कोशिश करेंगे कि मात्राओं की गलती ना हो, वाक्य सही हो। माँ ने बेटे के लिए खाना बनाया। नेक्स्ट, की रमा की बहन सुंदर है। थर्ड, के द्वारा, रवि बस के द्वारा दिल्ली गया। को, राम ने रावण को मारा। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कारक के भेद होते हैं 8। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, में विभक्ति चिन्ह किस कारक का है, अधिकरण, कार से कौन आया है, वाक्य के रंगीन पद में कारक है करण। नेक्स्ट, निम्नांकित कारकों के विभक्ति चिन्हों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। कर्ता ने, माधुरी ने गीत गाया। कर्म को, रवि ने पुस्तक को पढ़ा। नेक्स्ट, करण से, विवेक साइकिल से घर गया। संप्रदान के लिए, माँ ने कविता के लिए फ्रॉक सिला। अपादान से, हर्ष बाजार से फल लाया। संबंध का, राम का भाई खिलाड़ी है। अधिकरण पर, छत पर बंदर बैठा है। संबोधन हे भगवान मेरी विनती सुनो। तो ये वाक्य आप अपने आप भी बनाकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें निम्नांकित चित्र का वर्णन करते हुए वाक्यों में आए कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। तो जो पिक्चर आपकी बुक में दी गई है, आप इस बुक के आधार पर कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे और उसके बाद उसमें जो कारक चिन्ह आए हैं आप उन्हें अंडरलाइन करेंगे। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज आप अपनी बुक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।